दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक दैट इज द विटामिन B6 और पाइरिडॉक्सिन। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पाइरिडॉक्सिन विटामिन है, ये पाइरिडॉक्सिन विटामिन दैट इज द यूनिक अमंग द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से एक यूनिक विटामिन है, यूनिक विटामिन। अगर आपसे पूछे कि यूनिक विटामिन कौन सा है, तो पाइरिडॉक्सिन या विटामिन B6। अब ये क्या है कि इसका फंक्शन है प्राइमरली दैट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको यूनिक विटामिन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो यूनिक विटामिन इसलिए बोलते हैं, प्राइमरली जो इसका फंक्शन होगा, प्राइमरली फंक्शन दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सिंपली कोई हमसे पूछे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक यूनिक विटामिन है, यूनिक विटामिन है फ्रॉम दी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसका प्राइमरी फंक्शन है दैट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिक विटामिन। देन हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर के अंदर विटामिन B6 है, नेचर के अंदर ये थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, थ्री फॉर्म्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज द पाइरिडॉक्सिन। थ्री फॉर्म्स हमारे पास होती है, पाइरिडॉक्सिन, सेकंड वन इज द पाइरुडॉक्सल, पाइरुडोरल। देखो, थ्री फॉर्म्स में हमारे पास ये अवेलेबल होगा। फर्स्ट फॉर्म होगी दैट इज द पाइरिडॉक्सिन। ये जो पाइरिडॉक्सिन है दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये किससे कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप है। देन सेकंड वन हमारे पास आएगा दैट इज द पाइरिडोरल, और थर्ड वन ग्रुप आएगा दैट इज द पाइरिडॉक्सामाइन। देखो, डॉक्सामाइन इज अमाइन ग्रुप, डॉक्सामाइन कौन सा ग्रुप होगा, अमाइन ग्रुप होगा, और जो पाइरिडोरोल है दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ये अल्कोहल ग्रुप होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये अमाइन ग्रुप होगा। सिंपली हम लोग बोले विटामिन B6 या पाइरिडॉक्सिन नेचर के अंदर थ्री फॉर्म्स में अवेलेबल होगा, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडोरोल और पाइरिडॉक्सामाइन। पाइरिडॉक्सिन अल्कोहल फॉर्म में होगा, पाइरिडोरोल एल्डिहाइड फॉर्म में होगा, और पाइरिडॉक्सामाइन अमाइन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब देखो, हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस की बात करें, ये एक यूनिक विटामिन है, और यूनिक विटामिन होने के साथ साथ ये क्या करता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पहला हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन डेवलपमेंट। अब देखो, एक चीज हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर इसका डिफिशियंसी डिसऑर्डर होगा तो पर्सन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे डोपामिन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मैक न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन है, उनके अंदर ये काम करता है। दूसरा, ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मैक आरबीसी फॉर्मेशन। अब देखो, आरबीसी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगी, इसकी डिफिशियंसी होगी तो हम लोगों को एनीमिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं कि पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये जो विटामिन B6 है, इसकी एक फॉर्म पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट, पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं PLP, पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट। ये जो पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, इसका फंक्शन क्या होगा, कोएंजाइम के लिए ये फंक्शन करेगा, जस्ट एज ए कोएंजाइम। और ये जो कोएंजाइम है, वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, जो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है, उसके अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्लोजली एसोसिएटेड होगा, और ये क्लोजली एसोसिएटेड किसके अंदर होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड बोलो, या हमने बोला प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए ये एसेंशियल होगा। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजन फ्रॉम द लीवर और मसल्स, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन रिलीज करता है जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, और कहां से रिलीज करता है, लीवर से रिलीज करता है, मसल से रिलीज करता है। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिंथेसिस, जैसे जो हीमोग्लोबिन के प्रीकर्सर के सिंथेसिस के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, सोर्सेज दो टाइप के सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं, वन इज द एनिमल सोर्सेज एंड अनदर इज द प्लांट सोर्सेज। दोनों सोर्सेज हमने ऑलरेडी पढ़े, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्सेज के अंदर हमारे पास हो सकता है लीवर हो सकता है, मीट हो सकता है, फिश हो सकती है, और एग हो सकता है। लीवर हो सकता है,
मीट हो सकता है, एग हो सकता है और फिश हो सकता है। ये इसके एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं। अगर प्लांट सोर्सेज की हम लोग बात करें तो ड्राइड यीस्ट हो सकता है, हमारे पास ड्राइड यीस्ट इसके अंदर देखने को मिल सकता है, वीट वीट ग्रेन हो सकता है, होल सीरियल्स हो सकते हैं, होल सीरियल्स हो सकते हैं, पल्सेस हो सकती है, होल सीरियल्स हो सकता है, पल्सेस हमारे पास हो सकती है, देन वेजिटेबल्स इसके प्लांट सोर्सेज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। देन हम लोग इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली रिक्वायरमेंट देखो, डेली रिक्वायरमेंट अडल्ट के अंदर बात करें, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर या ओल्ड एज पर्सन। देखो एडल्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसका डोज होगा दैट इज द 1.6 से लेके 2.0 या 2.2 या कुछ कुछ में 2 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। अगर प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग लेडी की हम लोग बात करें दैट इज द 2.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। और अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर इसकी डोज देखने मिलेगी दैट इज द 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। 0.6 से लेके 1.2, एडल्ट में 1.6 से 2 मिलीग्राम और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग या ओल्ड एज पर्सन के अंदर इसको इसका डोज रिक्वायर्ड होगा दैट इज द 2.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। अब देखो हम लोग बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर के। देखो इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर होगी तो ये ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। अगर ये ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा तो सबसे पहला जो न्यूरोमस्कुलर जो सिम्टम्स है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इसकी डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी डिसऑर्डर अगर डिफिशियंसी डिसऑर्डर होंगे तो पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने मिलेगा, पेशेंट के अंदर डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन। और अगर आपसे कोई पूछे डिप्रेशन के ट्रायड फीचर्स, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, देन उसके अलावा पेशेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, पेशेंट के अंदर इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं नर्वसनेस हो सकता है, नर्वसनेस देखने को मिल सकता है। देखो डिप्रेशन हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, नर्वसनेस देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। देन दूसरा इसके अंदर देखने को मिलेगा अगर इसकी सीवियर डिफिशियंसी है, सीवियर डिफिशियंसी में लीड टू दी एनीमिया। सीवियर डिफिशियंसी किसको लीड कर सकता है, एनीमिया को लीड कर सकता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं इसकी वजह से जो स्टोन हो सकता है, यूरिनरी स्टोन हो सकता है, यूरिनरी कैलकुलाई, यूरिनरी कैलकुलाई। अब देखो यूरिनरी कैलकुलाई कैसे होगा, देखो पेशेंट के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी सिट्रेट अगर डिक्रीज किसका अमाउंट होगा, विटामिन बी सिक्स का। अगर विटामिन बी सिक्स डिक्रीज होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो यूरिनरी सिट्रेट है, यूरिनरी सिट्रेट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यूरिनरी सिट्रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसकी वजह से क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी है ऑक्सलेट्स की वो एड करेगा, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सलेट, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सलेट्स, और ऑक्सलेट की सोल्युबिलिटी होगी तो वो किसको लीड करेगा, यूरिनरी कैलकुलाई। तो यूरिनरी कैलकुलाई ये भी कॉज कर सकता है। अब देखो दूसरा विटामिन बी सिक्स या पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन से रिलेटेड ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर होंगे और ये था रिलेटेड टू दी विटामिन बी सिक्स या पाइरिडॉक्सिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।